गांव की तरफ आप लोग देखते होंगे एक बोर्ड लगा रहता है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इससे आप देखते हैं कि मेंस में भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और आप देखते हैं कि आपके प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वन डे एग्जाम में तो डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये आपका वही जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, ये चर्चा में क्यों है देख लेते हैं। ये बहुत बढ़िया आर्टिकल लिखा गया है, ठीक है, और सब कुछ इसके बारे में जो भी और भी इसके तथ्य उन्हें भी देख लेता हूँ। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री आपकी श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में जानकारी दी है। योजना के बारे में अगर हम बात करें तो एक मुश्त विशेष हस्तक्षेप के रूप में PMGS-22 के पहले चरण की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई थी। यानी कि कहने का मतलब है जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है इसकी शुरुआत सन 2000 में हुई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रमुख उद्देश्य निर्धारित जनसंख्या वाले असमृद्ध बस्तियों को ग्रामीण संपर्क नेटवर्क प्रदान कर ग्रामीण क्षेत्रों का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना है। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो बस्तियां हैं, उन्हें मेन सड़कों से जोड़ना इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। योजना के अंतर्गत जनसंख्या का आकार मैदानी क्षेत्रों में आप देखेंगे 500 प्लस, और उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे हिमालयी राज्यों, मरुस्थलीय और जनजातीय क्षेत्रों से मैं ये 250 निर्धारित किया गया। यानी कि कहने का मतलब है किसी अगर मैदानी क्षेत्र में आप 500 की जनसंख्या रह रही है, 500 प्लस या 500 किसी गांव में, तो उसे वहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा उसे मेन मार्ग से जोड़ दिया जाएगा, वहां ये सड़क डलेगी, ठीक है। और जनजातीय क्षेत्रों में या फिर आप देखेंगे उत्तर पूर्वी राज्यों या हिमालयी राज्यों, मरुस्थलीय राज्यों में ये 250 जहां जनसंख्या होगी जिस भी गांव की, जिस भी क्षेत्र की, उसे भी इस तरह की सड़कों से जोड़ा जाएगा, ठीक है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य निर्धारित मानकों को पूरा करने वाली असमर्थ बस्तियों को सड़क नेटवर्क प्रदान करना है। क्योंकि आप देखते थे कई गांव ऐसे हुआ करते थे कि वहां तक जाने में आने में परेशानी हुआ करती थी, वहां के रहने वाले लोगों को भी परेशानी हुआ करती थी, समझ रहे हैं। प्रारंभ में राज्यों के लिए सड़कों की लंबाई, वित्तीय लक्ष्य, आवंटन के संदर्भ में कोई भौतिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। स्वीकृत परियोजनाओं के मूल्यों के अनुरूप राज्यों को निधि का आवंटन बाद के वर्षों में किया गया है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 में समग्र दक्षता में सुधार हेतु ग्रामीण सड़क नेटवर्क में 50,000 कितना 50,000 किलोमीटर उन्नयन के लिए PMGS-22 प्रधानमंत्री ग्रामीण जो सड़क निर्माण है सेकेंड की शुरुआत की गई थी। पहली आपकी 2000 में की गई थी, सन 2000 में द्वितीय, दूसरा चरण इसका कब किया गया 2013 में। ग्रामीण कृषि बाजार और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, अस्पतालों को प्रमुख ग्रामीण संपर्क मार्गों से जोड़ने हेतु 2019 में 1,25,000 किलोमीटर के समेकन के लिए PMGS-23 को प्रारंभ किया गया 2019 में, ठीक है। पहला इसका चरण 2000 में, सन 2000 में चालू हुआ, दूसरा 2013 और तीसरा 2019 में। PMGS-22 के तहत ग्रामीण सड़कों का निर्माण और विकास ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों में प्रस्तावित ज्यामितीय डिजाइन और भारतीय सड़क कांग्रेस के मैनुअल और अन्य प्रासंगिक IRC कोड और मैनुअल के अनुसार किया जाता है। मंत्रालय द्वारा योजना के अंतर्गत कार्य संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के आधार पर स्वीकृत किए जाते हैं। वो एक इससे एक और फायदा होता है कि जिस भी गांव में आप देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की सड़क निर्माण होता है तो वहां रहने वाले लोगों के लिए रोजगार भी मिल जाता है, समझ रहे हैं, वहां रहने वाले काम भी कर लेते हैं और वहां उनके लिए सुविधा भी हो जाती है। राज्यों द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जारी करते समय लागत को प्रभावित करने वाले भौतिक और पर्यावरणीय कारकों जैसे स्थलाकृति, मिट्टी के प्रकार, जलवायु, यातायात घनत्व, वर्षा और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित तकनीकी विशेषताओं जैसे कि जैसे आवश्यक जल निकासी नालियों और संरक्षण कार्यों की आवश्यकताओं पर विचार किया जाता है। सड़क निर्माण कार्यों के लिए लागत अनुमान तैयार करते समय भौगोलिक और संबंधित कारकों को ध्यान में रखा जाता है। PMGS-22 पहले के चरण के अंतर्गत पात्र बस्तियों के आधार पर और सेकेंड जो और थर्ड जो इसका चरण था मामलों में सड़कों की लंबाई के आधार पर लक्ष्य आवंटित किए जाते हैं।
योजना में विशेष वितरण के उपाय के रूप में केंद्र सरकार पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में परियोजना लागत का 90% वहन करती है, जबकि अन्य राज्यों में केंद्र सरकार लागत का 60% वहन करती है, बाकी राज्य सरकार। ठीक है, तो आप देखते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने का मतलब यही होता है कि वहां कम, मतलब 90% वहां दान एक तरह से दे दिया जाता है राज्यों को, इसलिए आप देखते हैं समय समय पर राज्य मांग भी उठाते रहते हैं हमें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, फायदा रहता है उन्हें। योजना के क्रियान्वयन में चुनौतियों की बात करें, यानी कि इसमें समस्याएं क्या क्या है। PMGSY के अंतर्गत निर्मित ग्रामीण सड़क नेटवर्क को वर्तमान में मरम्मत की तत्काल आवश्यकता है, लेकिन राज्य इन सड़कों के रखरखाव के लिए पर्याप्त मात्रा में व्यय नहीं कर रहे हैं। योजना क्रियान्वयन में के नोडल मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए यह एक चिंता का विषय है। मंत्रालय के एक अनुमान के अनुसार योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों के रखरखाव के लिए 2020 से 2021 में प्रारंभ होकर अगले 5 वर्षों की अवधि के दौरान 75,000 से 80,000 करोड़ रुपए खर्च करने की आवश्यकता हुई। राज्यों द्वारा चालू वित्त वर्ष में 11,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की आवश्यकता है और वर्ष 2024-25 तक आवश्यक राशि बढ़कर 19,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। योजना के प्रारंभ होने के पश्चात से अब तक लगभग 1.5 लाख बस्तियों को आपस में जोड़ने के लिए 6.2 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। इन सड़कों से में से लगभग 2.27 लाख किलोमीटर से अधिक की लंबाई की सड़कें 10 वर्ष से अधिक और लगभग 1.79 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें 5 से 10 वर्ष तक पुरानी हैं। इन सभी को मिलाकर लगभग 67% सड़कों की उचित रखरखाव की आवश्यकता भी है। राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियों में प्रशिक्षित और अनुभवी कर्मचारियों का बार बार स्थानांतरण योजना निगरानी की प्रभावशीलता को बाधित भी करता है। कुछ राज्यों द्वारा ऑनलाइन निगरानी प्रबंधन और लेखा प्रणाली पर नियमित रूप से योजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति को अद्यतन नहीं करना भी चिंता का विषय है। अपर्याप्त परियोजना निष्पादन और अनुबंध क्षमता, भूमि और वन मंजूरी भी देरी होना। आप देखते हैं कहीं योजना चला रहे हैं तो वहां से आपको पर्यावरण मंत्रालय से भी या पर्यावरण जो भी एक तरह के संगठन होते हैं उनसे भी अनुमति लेनी होती है, आदि भी परियोजना की भौतिक प्रगति में आने वाली कुछ प्रमुख बाधाएं हैं। PMGSY के कैग ऑडिट में देखा गया है बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ओडिशा सहित 9 राज्य सड़कों के निर्माण में पीछे हुए हैं। आजकल आप देखते हैं सड़क बनती है और कुछ सालों के बाद कुछ महीनों के बाद ही खत्म होने लगती है, खराब होने लगती है। एक अक्षर कुमार की मूवी आप लोगों ने देखी होगी, सड़क बनवाता है, ठेकेदार होता है, वो कहता है कि एक ही सड़क को, राजपाल से नहीं कहता है कि एक ही सड़क को हमारे यहाँ के ठेकेदार बना बना के मतलब साल भर सालों चलाते हैं, खत्म होगी फिर दोबारा बनवाएंगे, फिर खत्म होगी फिर दोबारा बनवाएंगे, समझ रहे। योजना में भ्रष्ट और संदिग्ध ठेकेदारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जाना चाहिए जिससे भविष्य में उन्हें टेंडर देने से बचा जा सके। वर्तमान में विद्यमान मुद्दों के समाधान के लिए खरीद प्रक्रिया को उन्नत करने के साथ ही मंत्रालय को ठेकेदारों को समय पर भुगतान भी सुनिश्चित करना चाहिए ताकि श्रमिकों को समय पर भुगतान किया जा सके। तो ये कहानी थी आपकी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की, आप समझ रहे हैं। और बाकी आप लोग जानते हैं कि कितना, मतलब इस तरह के जो भी सरकारी काम होते हैं और जो ठेकेदारों द्वारा होते हैं कितने अच्छे होते हैं, उसे मुझे लगता है कि आप बेहतर जानते होंगे। ठीक है, तो इसके जो चरण है इन्हें भी याद रखिए और इसके तहत जो जनसंख्या का मापदंड रखा गया है, जो इसमें आपका केंद्र जिन राज्यों को जितना एक तरह से जितना प्रतिशत लगाता है खर्च करता है उसे भी याद रखिए। ठीक है,